आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया था। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, जहां पीएम मोदी कहते थे कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। अब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और इसके अलावा केंद्र सरकार ने अयोध्या को एक आयुर्वेदिक कॉलेज दिया है और एयरपोर्ट का शिलान्यास जल्द होने वाला है। है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर उन्होंने अयोध्या को एक आयुर्वेद कॉलेज दिया है, साथ साथ आयुष से जुड़ी हुई तमाम हॉस्पिटल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आज शिलान्यास भी हुआ है और जो पूरे बन चुके हैं उनका लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पे संपन्न हुआ है। अयोध्या प्राचीन काल से ही भारत के सनातन धर्म की। खबर गाजीपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बयान दिया है। जहां जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के जो मकान कब्जा किए गए थे, उनमें आधे खाली करा लिए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में जो मंदिर ध्वस्त किए गए थे, उनका निर्माण कराया गया है। दरअसल एलजी मनोज सिन्हा गाजीपुर में 2 दिनों के प्रवास पर है और जिले के भावरकोल क्षेत्र के शर्मा डी गांव के किनवार कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण करने पहुंचे हैं। अभी हाल में कभी सोचा था वो उत्तर प्रदेश जो विनालू प्रदेश हुआ करता था, आज इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देश में दूसरे स्थान पर आ गया। विकास की हाईवे किस तरह से उत्तर प्रदेश में बन रही है, मुझे लगता है कि इसको जरूर विचार करने की आवश्यकता है। नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात पर आप विचार करिए कि क्या 2014 के पहले देश के उन लोगों ने सोचा था कि 44 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल सकते हैं, 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर बन सकते हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा सकता है, हर घर में बिजली पहुंचाई जा सकती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भगीरथ प्रयत्न हो सकता है इस देश में। मैं जहां आज हूं, मित्रों में कहना चाहता हूं आपसी ईमानदारी से, आजादी के बाद अगर ध्यान दिया गया होता जो हमारे सीमावर्ती प्रदेश है, अगल बगल दूसरे देश हैं जहां हमको खतरा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरह से उपेक्षा हुई है, आप में से जो लोग गए उन्हें जानते, उसमें भी अभूतपूर्व बदलाव आया। एक जिम्मेदारी मिली है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी द्वारा नवगठित की गई बाबा साहेब वाहिनी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेमचंद कुशवाहा का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर जोरदार स्वागत किया। स्वागत जितेंद्र दोहरे के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं द्वारा किया गया। बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा ने वर्तमान की प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने गरीबों एवं मजदूरों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है, सिर्फ उनका शोषण किया है। उन्होंने कहा कि आवारा जानवरों के कारण किसान बहुत दुखी है, जहां यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जानवरों के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि किसानों को रात रात भर अपने खेतों में ना जागना पड़े। उन्होंने कहा व्यवस्था के बारे में कि भाजपा सरकार में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, पुलिस निर्देशों की हत्या करती है और उन्हें दोषी करार दिए जाने के लिए सरकार भी उनका साथ दे रही है। बताया कि वर्तमान में प्रदेश में जंगल राज कायम है, वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जितेंद्र दोहरे ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। हमारा उद्देश्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और जो जन संदेश यात्रा चल रही है, जिसमें संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में जाकर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है
ये दलित विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है, शोषित पीड़ित जनता है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और सिर्फ बड़े पैमाने पर संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं दलित और पिछड़े समाज के लिए, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। 69,000 की जो शिक्षक भर्तियां हुई उसमें पिछड़े वर्ग को जो 27% का आरक्षण है। खबर अलीगढ़ के वाष्णे महाविद्यालय से है, जहां एडमिशन प्रक्रिया में धांधली का मामला संज्ञान में आने पर छात्र और अभिभावक एसवी कॉलेज पहुंच गए, जहां छात्रों के परिजनों ने प्रवेश प्रक्रिया में एससी छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं अभिभावकों ने इसकी सूचना भाजपा जिला मंत्री एडवोकेट संजू बजाज को दी, और सूचना मिलते ही संजू बजाज कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज पहुंच गए। इस दौरान संजू बजाज ने कहा कि संविधान को चुनौती देने का काम कॉलेज प्रशासन ने किया गया है, जहां एससी वर्ग के पास छात्रों को दरकिनार किया गया। ऐसी हरकत करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। मामला है कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, और मैं 3 महीने से स्कूल के चक्कर लगा रहा हूं, अभी तक मेरा एडमिशन में कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कह देते हैं सर? सर कह देते हैं कि आपके नंबर का मैं कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आया था 21 तारीख को, तो मेरा मैंने एप्लीकेशन दी थी इसको री एग्ज़ाम वाली, मेरे नंबर पहले कम थे तो मैंने री एग्ज़ाम वाली दे दी एप्लीकेशन, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। डॉक्टर किस वजह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है? देखिए, हंगामा एडमिशन लिस्ट के संदर्भ में हो रहा है। अब है जो अभी 33% सीट बढ़ी थी उसके संदर्भ में है, और किसी अव्यवस्था के कारण कोई कारण होगा उसके बाद लिस्ट कैंसिल अपहार कारणों से रोक दी गई। आप देख सकते हो कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन वहीं पर आज दूषित मानसिकता के जातिवाद भेदभाव और इस तरह से प्रताड़ित करने वाले एससी वर्ग के बच्चों को इस स्कूल में बैठे हुए हैं। पूरा स्कूल प्रशासन भ्रष्ट है, जातिवाद पर उतारू है। ये 103 वाला बच्चा, इसका एडमिशन नहीं हुआ, जनरल के 65% पर एडमिशन हो गए। ये कहीं ना कहीं जातिवाद फैलाने का काम ये बांसने स्कूल के जो प्रबंधक हैं, पूरी कमेटी है, एडमिशन कमेटी है, वो पूरा काम कर रही है। श्री वाष्णेय महाविद्यालय का मामला है, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर आगे चल रही है, यहाँ तक के एनसी से लेकर स्नातक तक की एससी के बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है, उनको बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे कि एससी के बच्चे भी आगे बढ़कर अपने हर क्षेत्र में योगदान दे सकें। वहीं एक श्री वाष्णेय महाविद्यालय का मामला सामने आया है कि यहाँ पर एससी के जो बच्चे पात्र हैं एडमिशन प्रक्रिया में, उनका एडमिशन नहीं लिया गया है, जबकि अन्य जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनका 65% तक का जो बच्चे हैं उनका एडमिशन ले लिया गया है, यहाँ तक के एससी के बच्चों के 90 तक के बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं लिया गया है। 88% होने के बाद भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए मेरे को एडमिशन। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा में कांग्रेसी ने संविधान के प्रस्तावना को बदलने की कोशिश को रोके जाने की मांग पर तहसील इटवा में शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा सरकार को घेरने का काम किया। दर्जनों की संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अगर संविधान में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो कांग्रेसी इसको लेकर सड़कों पर उतरेंगे और इसका पूरा तरीके से विरोध किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस जिला चेयरमैन नादिर सलाम से बात की गई तो उनका कहना था कि भाजपा सरकार लोकतंत्र व संविधान विरोधी सरकार है, इनके नेताओं द्वारा लगातार इसमें छेड़खानी की कोशिश की जा रही है। जो ये भाजपा सरकार है ये पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी सरकार है, लगातार इनके नेता संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, और जो उसकी आत्मा है उसकी प्रस्तावना है उसमें लगातार छेड़खानी करने का प्रयास हो रहा है। इन लोगों के द्वारा समाजवाद का जो शब्द है प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष का जो शब्द है प्रस्तावना में, उसको ये मिटा देना चाहते हैं, और जो संविधान की मूल आत्मा है उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन भाजपा वालों को हम कांग्रेसी ये बता देना चाहते हैं कि जिसने इस देश को जो है आजाद कराया है, और इस संविधान के निर्माण में जिन लोगों ने अपने जो है प्राणों की आहुति तक दे दी है, तो हम उनको इनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं देंगे। इसको लेकर
हम महामहिम राष्ट्रपति को जो है उपजिलाधिकारी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है और हमें उम्मीद है कि उपजिलाधिकारी महोदय इसको महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी सिद्धार्थनगर के द्वारा उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को बदलने की कोशिशों को रोके जाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को भेजे जाने के लिए हमें ज्ञापन मिला है। मथुरा में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, जहां पुलिस पर आरोपियों ने गोली की बौछार कर दी। दरअसल रात्रि में कसकरती पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग में थाना पुलिस बरसना। पुलिस रात करीब 1:45 बजे राजस्थान बॉर्डर स्थित पहुंचा गांव से कस करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से पुलिस भी अलर्ट हो गई। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और करीब 10 मिनट तक चली फायरिंग के बाद बदमाश कार छोड़कर मौके से भाग गए। थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार मालिक ने बताया कि छर्रा लगने से कांस्टेबल महेंद्र सिंह घायल हो गए हैं। फिलहाल कार से 11 कारतूस 315 बोर और 19 कारतूस 12 बोर के बरामद प्राप्त हुए हैं। बदमाश के आधार पर कार्ड, पर्स और कार की आरसी बीमा संबंधी कागज पुलिस के हाथ लगे हैं। देखिए, जनपद मथुरा के थाना बरसाना में भरतपुर बॉर्डर के पास पुलिस पार्टी रात्रि में 1:45 बजे के आसपास गश्त कर रही थी। उसी समय पर सड़क पर एक संदिग्ध वाहन आते हुए दिखा, जिसको कि पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। रोकने की इस प्रक्रिया में उस वाहन में सवार व्यक्तियों द्वारा उतर करके फायरिंग की गई। फायरिंग में कुछ पैलेट्स जो हैं, कुछ छर्रे जो हैं, एक हमारे जो कांस्टेबल हैं उनके लगे हैं, वो खतरे से बाहर हैं, उनका मेडिकल हो गया है, वो स्वस्थ हैं। अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये बदमाश फायरिंग करते हुए यहाँ से भागे। लगातार हमारी रात्रि से ही कॉम्बिंग चल रही है, उनकी गाड़ी भी लोगों को यहाँ से बरामद हुई है। बाकी अन्य चीजें मौके पर जो साक्ष मिले हैं उस संबंध में हमारे और बाकी सभी अधिकारियों द्वारा मौके का विजिट किया गया है। इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम। बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए अध्यापक तरह तरह के कार्यक्रम विद्यालय पर करते रहते हैं। वहीं सिद्धार्थनगर जनपद के तिलक इंटरमीडिएट कॉलेज बांसी में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री एवं पूर्व सांसद ने शिरकत की। बता दें कि इस विद्यालय पर बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए 1965 से वार्षिक उत्सव किया जाता है। वहीं विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि सोना काल में विद्यालय बाधित रहा, जिसके कारण वार्षिक उत्सव या नहीं हुआ। बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए यहाँ प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव किया जाता है। वार्षिक उत्सव से सभी छात्र छात्राओं में जो क्षमता होती है वह भर कर बाहर आती है। बच्चों के लिए मैंने आज तिलक इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव है और इसमें प्रबंधक और प्रधानाचार्य के द्वारा हमको आमंत्रित किया गया था। मैं इसमें शरीक भी हुआ, बच्चों का बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण भी 2-3 मैंने देखा और अभिवादन में मैंने बच्चों के भविष्य के बारे में भी चिंता करते हुए उनको बताया भी क्या क्या योजनाएँ हमारे बीच में हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना मजबूत रह सकते हैं, सशक्त रह सकते हैं। सरकार के भी कुछ कार्यक्रम के बारे में मैंने जिक्र किया और कोरोना के विषय पर भी मैंने थोड़ा सा उनको जानकारी दिया। कोरोना काल में वार्षिकोत्सव बाधित रहा, लेकिन तिलक इंटरमीडिएट कॉलेज की बहुत पुरानी परंपरा वार्षिकोत्सव है। वार्षिकोत्सव के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं के अंदर जो नैसर्गिक क्षमता होती है उसका विकास होता है और ये हमेशा से नई शिक्षा नीति में भी इस बात का प्रावधान है और हमारे यहाँ पुराने गुरुकुल के समय से व्यवस्था है कि जो जितने भी शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनका सभी प्रकार से विकास हो, यानी संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो, केवल पढ़ाई बोझ उनके लिए बन ना जाए, तो उनके जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनका विकास होना चाहिए। इस नाते बहुत अनेक वर्षों से लगातार तिलक इंटरमीडिएट कॉलेज के अंतर्गत वार्षिकोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। खबर रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के लोधवारी गांव से है, जहां रहने वाले फौजी समर बहादुर ने अपने ही परिवार के भाइयों पर उससे उसका जमीनी हक नहीं देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद मारपीट से परेशान होकर फौजी धरने पर बैठ गया। इस दौरान धरने पर बैठे फौजी समर बहादुर ने लेखपाल पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले बार जब वो छुट्टी पर आया था तो जमीनी नाप जोक के लिए लेखपाल को 9,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन रिपोर्ट लगने के बाद भी उससे उसका हक नहीं मिला। ये सब जमीनी विवाद हैं, हम जब भी आते हैं सर किसी न किसी तरीके से फैसला करते हैं
उसके बाद जब हमारा उसमें कब्जे का नंबर आता है तो हमारे घर वाले हमारे भाई जो है उस पर दबंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। आज भी मारपीट पे उतारू थे, मिट्टी एक टाली आई वैसे उन दूसरे के गांव वालों ने, कोई गांव वाला कोई सर हमारे घर में काम करने के लिए नहीं तैयार हुआ, इतना डरते हैं कि मैं दूसरे गांव से उनको बताया नहीं कि मेरा कोई झगड़ा है। दूसरे सुंदरान द्विवेदी का ट्रैक्टर लेके आया, उनको जब ऐसे ही उन्होंने वो टाली लेके मट्टी डालने की कोशिश की, तुरंत ही आके उनको बोले तुम इसमें मट्टी नहीं डालना, और चाबी उनका ट्रैक्टर से निकाल लिए। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, फैसला कर लो। बोले हम फैसला नहीं करेंगे, तुमको जो करना है अपना नाम लेखपाल बुला के। खबर हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां वर्दी पहने नशे पर दरोगा ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। दरोगा का हंगामा देखकर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सस्पेक्टर के जो वीडियो वायरल हो रहा है इसके हंगामे का, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है और इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच जो है क्षेत्राधिकारी को दी गई है, जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके आधार पर इनके खिलाफ जो भी वैधानिक। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध युवक रेलवे के साथ ही पुलिस वालों के लिए पहेली बन गया। वो अपना नाम श्रीकांत और माता का नाम श्रीदेवी बता रहा है, जबकि और किसी की बात जवाब नहीं दे पा रहा। उसके पास नहीं तो कोई सामान था और ना ही कोई कागजात थे। घंटों स्टेशन पर संदिग्ध को लेकर हंगामा मचा रहा। उसकी हालत को देखते हुए GRP थाना प्रभारी ने इलाज के लिए युवक को अस्पताल भेज दिया है। डिप्टी SS के यहाँ कार्यालय में एक व्यक्ति आया है जो सिर्फ अपना नाम श्रीकांत बता रहा है और माँ का नाम श्रीदेवी बताया, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहा है, और उसको जो है कुछ मानसिक रूप से भी लग रहा है, हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। बलरामपुर जनपद में रिंग रोड में ओवरब्रिज नहीं होने के कारण जाम की समस्या बढ़ने लगी है, लेकिन चीनी मिलों के संचालन के बाद ये समस्या बढ़कर दुगनी हो गई जाती है। बीते 25 नवंबर से मील का संचालन शुरू किया गया, लेकिन जैसे ही मील चलनी शुरू हुई तो गन्ने के वाहनों ने ओवरलोडिंग की समस्या को भी बढ़ा दिया गया। ऐसे में जिले में आमजन को इसके चलते भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मिल संचालन के बाद ओवरलोडिंग की समस्या बढ़ी है, जिसके बाद जल्द ही अभियान चलाकर ओवरलोडिंग की समस्या को दूर किया जाएगा। हाँ, गन्ने का सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ है। मिल के द्वारा हमें सूचना मिली है और रोड पर वाहन भी काफी ओवरहाइट चल रहे हैं और इन लोगों के विरुद्ध हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। प्रवर्तन दल द्वारा कुछ चालान किए गए हैं, लेकिन हमारे संज्ञान में आया है कि ये काफ़ी ऊपर हाइट करके चल रहे हैं, जिससे शहर में अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, इसके खिलाफ। खबर बदायूं से है, जहां अपराध की लगाम लगाने के लिए मुखबिर की सूचना पर थाना वजीरगंज क्षेत्र के वानकोटा पैट के सामने से दो मोटरसाइकिलों पर सवार तीन अभियुक्तों को 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पूछताछ के बताया कि वो अफीम झारखंड से मंगवाते थे, जिसके लिए वो फोन पर किसी अज्ञात युवक से बात करते थे जिसे वो लोग नहीं जानते। जनपद बदायूं में SP आर्य के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित है, जो आपराधिक कृत्यों को देखने के लिए सूचना मिलने पर गठित की गई थी। इसने वजीरगंज थाने की पुलिस के साथ मिलकर के पता रसी सुरागसी करके जो नारकोटिक्स में अफीम के विक्रेता हैं, जो उनका पता लगाया और उनसे वजीरगंज क्षेत्र में एक मंदिर पे माल खरीदने का सौदा छद्म रूप में किया। इस पर ये लोग आए और ये 2.25 किलो अफीम बरामद हुई है। ये 3 अभियुक्त हैं, जो विशारदगंज बरेली के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर पुलिस में आजीवन कारावास 302 के मुजरिम को 1995 से जमानत पर फरार चल रहे अभियुक्तों सहारनपुर क्राइम ब्रांच व थाना मंडी पुलिस की संयुक्त टीम ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर थाना कुतुबेश्वर निवासी दिलशाद की एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास में बंद था, जिसने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील की थी, जिसके बाद अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया था, लेकिन बदमाश जमानत पर रिहा होने के बाद 1995 से ही फरार चल रहा था,
जिसकी गिरफ्तारी के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सहारनपुर पुलिस प्रशासन को आदेश दिए थे, जिसके बाद सहारनपुर एसएसपी के निर्देश अनुसार एक टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे शातिर अपराधी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। आज एक 25 साल से फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार करने में मंडी पुलिस को और हमारी एसओजी टीम को सफलता मिली है। इस अभियुक्त का नाम है शाहनवाज उर्फ जनरल, जो कुतुब से थाना क्षेत्र का रहने वाला था। 1991 में इसने एक मर्डर की घटना की थी मंडी थाना क्षेत्र में। इसके बाद इसको यहाँ से आजीवन कारावास हो गया था, जिसके बाद इसने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की थी, वहाँ से जमानत पर आया था और जमानत के बाद ही वो फरार हो गया। और जब इसको फिर तलब किया गया तो कभी भी न्यायालय में पेश नहीं हुआ, तो फिर माननीय न्यायालय द्वारा इसके गिरफ्तारी के लिए NBW जारी किया गया। तब से लगातार प्रयास किया जा रहा था, समाचार पत्रों में लेके सारी चीज़ों में इसके कॉल डिटेल को लेके इसके रिश्तेदारों से बातचीत कर की जा रही थी, लेकिन इसका कोई भी ठिकाना पुलिस को अभी तक नहीं मिल पा रहा था। लगातार प्रयास के बाद पता लगा कि ये जम्मू कश्मीर में कहीं मोजे बेचने का काम कर रहा है। यहाँ से हमारी टीम गई थी और इसको कल करीब 4:30 बजे लाल चौक से थाना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार करके अभी हमारी पुलिस की टीम यहाँ पे ले आई है। और वहाँ रायबरेली पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आखिरी कार्यक्रम सोलन विधानसभा में आयोजित किया गया, जहां उन्होंने 4 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करने के साथ ही उन्होंने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी। साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए DM को कल कैंप लगवा कर लोगों की समस्या सुनकर उनको निपटाने का आदेश दिया। इसी बीच भीड़ की आवाज आई कि कल क्रिसमस है, इस पर एक बार फिर से स्मृति ईरानी DM वैभव श्रीवास्तव की तरफ मुड़ी और कहा, परसों रविवार है, आपकी छुट्टी रद्द है और वो रविवार को यहाँ कैंप लगाएंगे। यार, हम सब की ओर से इन सभी महानुभावों को धन्यवाद अभिनंदन। आपसे आग्रह करूंगी हमारी जनता को एक बार फिर आश्वस्त कर दें और हम सबका आदर स्वीकार करें। आज एक कार्यक्रम में हमने अध्यापकों का स्मरण कर उनका सम्मान किया, सैनिकों का सम्मान किया और आज अमेठी के कोविड वॉरियर्स हर डॉक्टर और मेडिकल क्षेत्र में नर्स और डॉक्टर और अटेंडेंट और जिन लोगों ने हमारे जनपद को, हमारे लोकसभा क्षेत्र को, हमारे समाज और राष्ट्र को संरक्षित रखा, उनको इन विषम परिस्थितियों में भी अपनी सेवा निरंतर देने के लिए जनता की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन, उनके चरणों में प्रणाम। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।